झंडा लगाने से कोई वफादार नहीं होता, वो वफादार उस वक्त होगा जब उसको आप एहसास दिलाएं कि आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं। फॉर गॉड्स सेक बलूचिस्तान को साथ लेकर चलना चाहते हैं, इस पर अमल दरामद करें। एक कमेटी बनाएगी, आज दिन तक मुझे बताएं उस कमेटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ, अगर हुआ भी तो उसकी एक मीटिंग भी बुलाई गई। बलूचिस्तान को उसका ड्यू शेयर दें, बलूचिस्तान को इस मुल्क का बराबर हिस्सा देना होगा आपको, आज नहीं तो कल देना होगा। बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से पीटीआई से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूं। इमरान खान हुकूमत को बड़ा धचका, अख्तर मैंगल का हुकूमत से इत्तेहाद तोड़ने का ऐलान। झंडा लगाने से कोई मुहिब्बे वतन नहीं बन जाता, तहरीक इंसाफ ने मुहिदे पर अमल नहीं किया, बलूचिस्तान को बराबर का हिस्सा देना होगा। हम ऐवान में मौजूद रहेंगे, अपने हुकूक के लिए बात करते रहेंगे। अख्तर मैंगल कौमी असेंबली में हुकूमत पर बरस पड़े। बीएनपी की हुकूमत से अलहदगी से हुक्मरान इतिहाद कौमी असेंबली में 4 वोटों से महरूम, सेनेट में भी 1 वोट कम, हुकूमत के मेंबरान की तादाद 180 रह गई, बजट मंजूर कराने में मुश्किलात का सामना हो सकता है। मरियम औरंगजेब की विफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहती है इत्तेहादी जमातें इमरान हुकूमत पर अदम एतमाद कर चुकी हैं। पाकिस्तान के गरीब अवाम इमरान साहब की हुकूमत पर अदम एतमाद कर चुके, कहां गए वो मुआहदे जो उन्होंने किए थे। शाहजी छा गए, सिंध हुकूमत बाजी ले गई, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे का ऐलान। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 10%, ग्रेड 17 से ऊपर 5% का इजाफा होगा। वजीर आला सिंध ने 12 खरब 41 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। टिड्डी दल और कोरोना के खात्मे के लिए बड़े पैकेज मुख्तस, मुराद अली शाह की बजट तकरीर के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा। तमाम मरकजी और सूबाई कायदीन से मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि 18 जून बरोज जुमरात तनख्वाहों में इजाफा न होने की सूरत में कौंसिल की तरफ से मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। विफाकी और पंजाब हुकूमत के लिए नई मुश्किल, बजट में तनख्वाहें न बढ़ने पर ऑल पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने कल मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में पेश न होने पर चेयरपर्सन ओगरा को 1 लाख रुपए जुर्माना। ओगरा वालों की वजह से पेट्रोल का बोहरान है, इस महकमे ने बेड़ा गर्क कर दिया। चेयरपर्सन काम नहीं कर सकती तो ओहदा छोड़ दें। लगता है खातून चेयरपर्सन हुकूमत की चहेती हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के रिमार्क्स। फिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको हिना समी और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। खास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। सुन जाना कोई चीज जहां में कितनी भी हो अनमोल, मिल जाती है उसके लिए गर्जीस्त बने कशकोर। देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का खुदा हाफिज। पाकिस्तान के मारूफ टीवी कंपेयर तारिक अजीज इंतकाल कर गए। तारिक अजीज को 1964 में पीटीवी की पहली अनाउंसमेंट और पहला खबरनामा पढ़ने का एजाज हासिल। नीलाम घर से शोहरत की बुलंदियों को पहुंचे, फिल्मों में भी काम किया और निगार अवार्ड जीते। तारिक अजीज रुकने कौमी असम्बली भी रहे। तारिक अजीज की वफात पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम का इजहार अफसोस। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार ताजियत। फनकार शायर अदीब भी सोगवार।
कोरोना वायरस का पाकिस्तान पर खौफनाक हमला, एक रोज में रिकॉर्ड 136 जाने ले गए, मरने वालों की तादाद 2975 हो गई। 24 घंटों में मजीद 5839 अफराद बीमार, मुतासीन की तादाद 1.5 लाख से भी बढ़ गई। मजीद 3 मसीहाओं की जान ले गया, बटग्राम हॉस्पिटल के डॉक्टर शाह आलम कोरोना के बाइस शहीद। गुजरांवाला में साबिक सदर पीएमए डॉक्टर गुलजार अहमद जान से गए, गिलगित में डॉक्टर जमान भी चल बसे। खबरदार होशियार, डेक्सामेथासोन दवाई खुद इस्तेमाल ना करें, ये दवा कोरोना के इंतहाई तशवीशनाक मरीज को दी जाती है, डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल से जान जा सकती है, माहिरीन सेहत की वार्निंग। लाहौर में कोरोना से मुतासर 51 इलाके सील, दरोगावाला, जलोमोर, मनावा, गार्डन टाउन, जौहर टाउन, वाबदा टाउन, गुलबर्ग, डीएचए, अस्करी 10, समनाबाद और इकबाल टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स बंद। कराची के 3 अजला की 43 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली तैयार, जिला गरबी की 13, शर्की की 16, कुरंगी की 14 यूनियन काउंसिल सील होंगी। कुरंगी, लांडी, मली, शाह फैसल, बहादुराबाद, ईसा नगर, 3 हट्टी और दीगर मुतासर इलाके बंद होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान लाड़काना पहुंच गए, कराची में पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादियों से मिले। एमक्यूएम जीडीआर का ने अपने मसाइल सामने रखे, मेयर वसीम अख्तर का ताखीर से दौरा करने पर वज़ीर आज़म से शिकवा। वज़ीर आज़म के लाड़काना पहुंचने से पहले अवाम का एहतजाज, टायर जलाए धरना दिया, तहरीक इंसाफ लाड़काना के रहनुमाओं में भी फूट पड़ गई, बहुत सारे अहदेदारों का एहसास, प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत की दावत ही नहीं दी गई। मुमताज भुट्टो और अमीर बख्श भुट्टो का भी इमरान खान से मुलाकात से इनकार। हुकूमत जस्टिस काजी फाइज की अहलिया का टैक्स मामला एफबीआर को भेजने को तैयार, जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का एफबीआर को बयान देने से इनकार, जायदादों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को वजाहत देने के लिए तैयार, जज की अहलिया के जवाब से सारा अमल शफाफ हो जाएगा, जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जज के मिसकंडक्ट का आईन में तायुन नहीं, सदर ये कह दें कि उनकी नजर में मिसकंडक्ट है तो ये दलील बड़ी खतरनाक है। हुकूमत की पॉलिसी से मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं, क्या कोरोना से पहले चीनी और आटे का बहरान नहीं आया, राणा सनाउला कौमी असेंबली में हुकूमत पर बरस पड़ा। असासा जात केस में मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 29 जून तक तौसी, लाहौर हाईकोर्ट में हाजिरी से मुआफी की दरख्वास्त भी मंजूर। कराची की डाउ यूनिवर्सिटी में फीस के तनाजे पर तालिबात से नारवा सलूक, 2 तालिबात को हॉस्टल से निकाल दिया गया, वार्डन्स की तालिबात से बदकलामी, 1 तालिबा को घसीट कर निकाला गया, तालिबात ने हॉस्टल से मुतसिल मस्जिद में रात गुजारी। लाहौर में कोरोना से मुतासर 51 इलाके सील, दरोगावाला, जलोमोर, मनावा, गार्डन टाउन, जौहर टाउन, वाबदा टाउन, गुलबर्ग, डीएचए, अस्करी 10, समनाबाद और इकबाल टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स बंद। कराची के 3 अजला की 43 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली तैयार, जिला गरबी की 13, शर्की की 16, कुरंगी की 14 यूनियन काउंसिल सील होंगी। कुरंगी, लांडी, मली, शाह फैसल, बहादुराबाद, ईसा नगर, 3 हट्टी और दीगर मुतासर इलाके बंद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाड़काना पहुंच गए, कराची में पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादियों से मिले। एमक्यूएम जीडीआर का ने अपने मसाइल सामने रखे, मेयर वसीम अख्तर का ताखीर से दौरा करने पर वज़ीर-ए-आज़म से शिकवा। वज़ीर-ए-आज़म के लाड़काना पहुंचने से पहले अवाम का एहतजाज, टायर जलाए धरना दिया, तहरीक इंसाफ लाड़काना के रहनुमाओं में भी फूट पड़ गई, बहुत सारे अहदेदारों का एहसास, प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत की दावत ही नहीं दी गई। मुमताज भुट्टो और अमीर बख्श भुट्टो का भी इमरान खान से मुलाकात से इनकार।
जस्टिस काजी फाइज की अहलिया का टैक्स मामला एफबीआर को भेजने को तैयार। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का एफबीआर को बयान देने से इनकार। जायदादों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को वजाहत देने के लिए तैयार। जज की अहलिया के जवाब से सारा अमल शफाफ हो जाएगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जज के मिसकंडक्ट का आईन में तायुन नहीं। सदर ये कह दें कि उनकी नजर में मिसकंडक्ट है तो ये दलील बड़ी खतरनाक है। हुकूमत की पॉलिसी से मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं। क्या कोरोना से पहले चीनी और आटे का बहरान नहीं आया? राणा सनाउला कौमी असेंबली में हुकूमत पर बरस पड़ा। असासा जात केस में मियां शहबाज शरीफ की उबूरी जमानत में 29 जून तक तौसी। लाहौर हाईकोर्ट में हाजिरी से मुआफी की दरख्वास्त भी मंजूर। कराची की डाउ यूनिवर्सिटी में फीस के तनाजे पर तालिबात से नारवा सलूक। दो तालिबात को हॉस्टल से निकाल दिया गया। वार्डन्स की तालिबात से बदकलामी। एक तालिबा को घसीट कर निकाला गया। तालिबात ने हॉस्टल से मुतसिल मस्जिद में रात गुजारी।